मैं हूं विशाल सिंह, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। बीती रात तीन मासूमों को एक जंगली जानवर ने अपना निवाला बनाने का कोशिश किया, उन पर हमला किया, उनको घायल किया। हालांकि आनंद फानंद में उनको यहां से इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो वही दूसरी तरफ बीते दिनों से लेकर अभी तक गोंडा का जिला प्रशासन या वन विभाग प्रेस नोट जारी करके ये दावा कर रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई जंगली जानवर या भेड़िया जिले में या ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। लेकिन इस समय हम जहां खड़े हैं वो है ग्राम पंचायत फरेंदा सुकुल का दर्जीपुरवा, और इसी दर्जीपुरवा में ही बीती रात एक जंगली जानवर ने कुछ मासूम बच्चों को अपना निवाला बनाने की कोशिश की है। मेरे हाथ में जो आप ये डंडा देख रहे हैं, इस डंडे से यहाँ के ग्रामीणों ने, माता जी हैं उनका कहना है कि इसी डंडे से उन्होंने उस जानवर को भगाने की कोशिश की। हालांकि जब उन्होंने इससे मारा तो उसने अपने दांत अपने मुंह में इस डंडे को फंसा लिया। इस पर जो निशान आप देख रहे हैं वो उसी जानवर के हैं। तो अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चूंकि ग्रामीणों का ये कहना है कि वो सियार नहीं है। मेरे सामने वो बच्चा है, ये डंडा मैं रख देता हूँ, मेरे सामने वो बच्चा है जिसको उस जंगली जानवर ने काटा है। बेटा क्या नाम है आपका? साहिल। कहाँ पर थे, कब हुआ, क्या था, हमको पूरा मामला बताना। हम खाना खा के निकल रहे थे, वहाँ पर जैसे पहुँचे उधर से आया, मेरे गोड़ में काट लिया। क्या था? भेड़िया है वो। कैसे पहचानते हो कि भेड़िया ही है वो? वो इतना सा बड़ा था और मेरा गोड़ ही पकड़ लिया। कहाँ काटा है दिखाना हमको जरा। ये यही पे काटा है? किससे, दांत से काटा है या पंजे के निशान है? दांत से काटा है। भेड़िया कैसे कह सकते हो, पहचानते हो भेड़िया को या सियार को पहचानते हो? सियार को पहचानते हो, सियार नहीं है वो, भेड़िया ही है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब तुम्हारे यहाँ काटा उसके बाद भागे तब क्या हुआ? जब भागे तो हम यहाँ पर आए तो गिर पड़े थे, हमारा छगड़ी को भी नोच लिया। हम जब छगड़ी को खा के हम लोग उधर करे के बाद यहाँ पर भी आ गया। छगड़ी मतलब बकरी जो पाले हो, उसको भी नोच लिया? हाँ, उसको भी नोच लिया। तो भगाए कैसे, फिर कौन आया बचाने? यहाँ पर वहाँ पर खड़े थे, जब मैंने देखा नोचा वहाँ पर इधर उठा के उसको मारा। फिर मेरा बकरी जो घर में भाग गई खोलने आया मेरी माँ, तो वहाँ पर आके फिर यहाँ पर गया और वो बच्चे को बचा रहा था, दादी ने बचा लिया किसी लिए। ये दादी ने? हाँ, ये दादी ने बचा लिया उसको। दादी आप मौके पर थी उस समय? मैंने मौके पर बिल्कुल रहे कि मौके खाए हम ही मारन है। क्या हुआ था, पूरा मामला जरा बताइएगा हमको, कहाँ से कब आपने देखा और कैसे बचाया, कैसे भगाया? अब ऐसे भगा कि लड़का कहन काटिस, छगड़ी कहन काटिस, और ये लड़का जी है वो उठी बैठी रही खटवाला पे यहाँ। जब इनका झपटिस तब ये भागी, चटरा खोला रहा हमारा, तब ये जब भागी यहाँ आई गई और लड़का लेके गिर पड़ी, लाठी हमारे हाथ में रहा, बस उनका हम मारे लागे। जब उनका हम मारे लागे तो उठा के लठिया से मुहम गपदे मुहम धई रही, तब वो सांझी लड़का हमारा रहा, वो पीछे से लेकर लाठी, तब वो जब मारी से तब वो लाठी छोड़ी, तब महतारी पोतो दू जने वहाँ मारे, तब जब जुहाइए से तब वहाँ घर से निकाल पाए, बस झट से टटरा बंद कर ली। कहाँ भाग के गया फिर? अब भाग के रू चला गया वाई सिंह कहीं, हाँ अब रात रहा मामला रहा, ऐसा भाग के चला गया। और किसको काटा? अब और तो यहाँ को है नहीं, एक बकरी को हर काटी सी है। हाँ, बकरी कहन काटी सी। आसपास में सुनने में आया है किसी गांव में भी किसी बच्चे काटा है? वाह, तलियानी में काटी सो फरेंदा महन पता लागे बिटिया की क्या का काटी सी है। हाँ, कुल तीन बच्चों काटा है। हाँ। अच्छा अम्मा, देखिए आप उम्र आपकी काफी उम्र है तो आपका अनुभव ही होगा, आप ये जानती होंगी कि सियार आप पहचानती होंगी। हाँ, पहचान, कुत्ता पहचानती ही है, तो जो काटा है जानवर सियार था? नहीं, सियार ना हुआ। हाँ, भेड़िया सियार हो गए ना, कर जब बड़ा जब मारा का बड़ा गिरा है वो कहे तो अब कुकुर सियार के बार कौन यार हो से आप तो देखे हुए तो क्या अब तक बार रहा। अच्छा, तो यहाँ से ये काला है, ये लाल है, ये उज्जवल है, फिर ये काबल से लाल है, तीन बार, बार, बार। हाँ, बड़े बड़े तीन बार रहा, तो युवा यही फिर गिर गया रहा, बड़वा सबका जो खान है। हाँ, तो कैसे मान ली कि सियार हुआ, सियार ना हो भैया? अच्छा, सियार ना हो अगर तू का है फिर का माना चाहिए, का हो? हम यहाँ मानी थे कि जैसे हल्लावारा घर में घुसर गया और नोचा चौथे लाख लड़का छोड़े लाग अतरा मारा गया तब भाग, तो भैया जानवर हुआ। लेकिन अम्मा बार बार प्रशासन यही कह रहा है कि भेड़िया जिले में नहीं है ना गांव के क्षेत्र में। हाँ, तब वो कौन चीज हुआ? जब वो गांव क्या, आप भी शायद मौके पर थी, आपने भगाया था? हाँ, क्या था, क्या मंजर था उस समय?
वो समय जैसे हम अपने लड़का का काटिस तो हम भागे लागे अपने घर की तरफ, जैसे इतनी पहुंचे न तैसे वो हमरे बिटिया खेद तो बिटिया हमार मन पीछे का बिहार भागी, हम वो भागे वहाँ से जैसे छूटे तैसे यही पत्रा में पटक दी से। खाली लड़का हमारे पंजा मारत रहा कि लड़का छोड़ ली, जब जाने कि लड़का हमारे छोड़ ली तो हाँ यही लड़का, तो हम ऐसे पीछे कही है जब जाने कि लड़का हमारे ऐसे चंगुल मारी से अभी झपट ली तो हम ऐसे उतारने उतारने लड़का लेके गिरी है। तब लड़का अपन हम पीठी तरह लटाए हैं, तब हम गोड़ पैर चलाए हैं, वह दादी और वह चच्चा जब डंडा मारे लगे हैं तब वो भगा है और भागत कोई कीमत पर नहीं रहा। सियार और कुत्ता होती तो वह भाग लेती। हाँ देखने में क्या लग रहा था? देखे में ही है तो हमें भैया दूसरा जानवर लागत है, हम वो सियार देखें भेड़ा देखें कुकुर देखें मुला हमें वो तो दूसरा जानवर लागत। आदमखोर था? हाँ वो के जाने कौन में रहा। कपड़ा पला भी आपका फाड़ा था? हाँ सर ओढ़नी फाड़ दे, ओढ़नी पहले लड़का का झपटा के चक्कर में ही है वो ओढ़नी लेके भाग है, तो ओढ़नी तो छोड़ दिया मतलब वो सोचिस कि बच्चा पाई गेन है, तो फिर ओढ़निया छोड़ के फिर आगे लगे पहुंचेगा तब इनके पतरा में हम गिरे। अम्मा ये जिस बच्चे काटा है वो आप ही का बेटा था? हाँ हमारे लड़का है। कहाँ देखी थी आप उस जानवर को? यहाँ अठैन पहिया जानवर रहा और घर में ऐसे लड़का हमारा निकला है, जैसे वो अठैन पहन लड़का हमारा पहुंचा है, जैसे लड़का हमारे यक बैग वो लड़का एकदम पटकिन दही सी है। अच्छा। और लड़का हमारे पटकी सी कि जुड़ते हुए नोच बोच कर तो एकदम खून खच्चड़ कर दी घैल कर दी तौली से देखी तब तो जब मारे वारे लागे तब तो जब मारी नहीं तब वो भाग है। और वहाँ से फिर हमारे लड़का काटी फिर अब हमारे बकरी के यहाँ काटी सी। अच्छा। जब काट कर तब जब ओका मारी नहीं तमान सब तब वो गवाय मगर ना सियार हो ना भेड़ा हो कोनो बाहरी जानवर या भेड़िए हुए या कुछ जंगली जानवर हुए कोनो उन काटी सी भेड़िए पहचान थी अम्मा पहचानित ना ना है देखे ना मगर हुए भेड़िए वही वो यही बाहरी जानवर कोनो जंगली हुए ना वो सियार हुए ना भेड़ा हुए वो हुए कोनो जंगली जानवर जब बजनी लड़ा है लाठिस मारे लगे तो कई बार गिरा है तब तो तीन कलर बार सवेरे देखा गए रहा तीन कलर और जैसे लड़का झपटिस तैसे दौड़ के लड़कों को हम अपने अगवा बैठी रहे ना जब झपटिस को लाश मार के तैसे चार पांच बनाई रहे तैसे दौड़ जैसे झपटी तैसे ऐसे हम लोग पकड़ लिया लड़का कहे वो चिल्लाए लग यार का बाल किस कलर का होता है? वो तो खुशा हुआ था एक रंग का था खुशा हुआ था और तीन कलर के रहा झपटी चक्कर चक्कर में। अच्छा उसके बाद क्या हुआ जब वो किधर से भागा वो कैसे क्या हुआ? उसके वैसे से जैसे निकला अब भाग तैसे काबले आवा बस यही करे अठन जैसे भाग के लड़का वाले के भागी बैठी रहे जब इनका चहेटिस दौड़ के घर में घुसा रहे गई बहु घर में चहेट गवा घर में चहेट के तब उनका तब दौड़ छगड़ी पकड़ी से उनका गिर। आप एक चीज ये बताइएगा कि ये सब हुआ वो भाग गया उसके बाद आप लोगों ने प्रशासन को सूचना दी होगी पुलिस को सूचना दी होगी कोई आया था? हाँ आया था दो जने आया है दो मौके पे भी आया? हाँ गोला लाइक आया है गोला दागिन है रात में है कहीं टीना बजाओ टीना लड़के बजाई है तो कहीं फिर भी हाँ आया है 12 बजे तब फिर गोला दाग गया है। हाँ और कहीं की छत पर लेटे सब है अंदर बाहर ना लेटे बच्चन लड़के और क्या समझाए? अब यहाँ से समझाए ना और कहा कि यहाँ वहाँ लड़कन का घूमे ना जाए दी हो बाहर ना जाए दी हो ना निकसे दी हो अंदर में रखे हो निर्मा मतलब टहर लिए लेकिन रात में ना बाहर निकसे दी हो। पुलिस आई थी भैया तो उसने क्या बताया यहाँ पर क्या किस तरह का? पुलिस आई तो वही बोली कि बच्चों को अपने संभाल के रखे बच्चों को बाहर ना भेजे अभी भेड़िए का वो चल रहा है माहौल चल रहा है क्या मालूम भेड़िया ही हो कुछ कन्फर्म कह नहीं सकते लेकिन हो सकता है भेड़िया हो। अच्छा बताएगी हो सकता है? हाँ हाँ हो सकता है भेड़िया हो तो आप अपने बच्चों को संभाल के रखें बाहर ना जाने दें रात में घर के अंदर सोएं पल्ला बंद करके सोएं। रात भर वो लोग थे या नहीं थे? नहीं रात भर वो लोग नहीं थे आए थे एक घंटा दो घंटा थे वो लोग थे पूरे गांव के लोग थे सब लोग आए इधर उधर टाच बारे ढूंढे और ये जमीन जो पड़ी है यहाँ ये सामने उसी के अंदर वो तीन चार देखे गए। क्या तीन चार? वही वो जानवर थे वो भेड़िया थे तीन चार इकट्ठे थे झुंड में थे क्या? हाँ बात जब यहाँ से काट के वो निकल गया है तब वहाँ पे देखा गया वो तीन चार थे। अच्छा हाँ तो जब प्रशासन आई है जब गोला दागे उसके बाद में तीन गोला दागे उसके बाद में सब इधर उधर हो गए बाकी हम लोग रात भर जाग रहे थे लेकिन कुछ बाद में और कुछ हुआ नहीं है आज भी। हाँ अम्मा आपका लाइसेंस है
बैठ रह गए हमारे डेरके से भी। इतना दहशत है। हाँ सारा दहशत हो गया कि छत पर बटोरे और हुए से बैठ रह गए और वो पतुआ कहन घर में कह के चक्के पल्ला बंद कर दी कि नान भर के बच्चा है ऐसा ना हो फिर आइया। जब सरियारी घर नहीं है भैया टटरा लाग है टटरा सजा कहें कि टटरों चीज आ रही सब मारे डेर के हुआ काबल से हो। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से पुलिस से क्या कहना चाहेंगे? अब पुलिस से कहा कही अब जो देखें जो भवा तो बतावा गवा साहेब और का किन जाए कोई का करे वो आइए पूछें कहीं लड़कन बच्चन अपने देखो सभी जागो रखाओ और का करे वह। कुल मिलाकर एक तरफ अभी बहराइच में भेड़िए का आतंक चल ही रहा है, कुछ दिन पहले गोंडा के तरफगंज क्षेत्र के पथार गांव में भी भेड़िए के ही होने की बात कही गई थी, इसके बाद अब ऐसा ही कोई जंगली जानवर है कि यहां के ग्रामीणों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो सियार नहीं है क्योंकि ये लोग सियार को पहचानते हैं। बता रहे हैं कि जो जानवर था वो उसके बाल 3 कलर के हैं आया है और यहाँ दस्तक दिया है। तो अब यहाँ के ग्रामीणों में भी दहशत है, छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रशासन भी आया था और उन्होंने यहाँ पर गोला दागा, ग्रामीणों को जागरूक किया, थाली वाली बजाने को कहा। तो एक तरफ जहाँ वन विभाग ये लगातार दावे कर रहा है कि किसी प्रकार का कोई जंगली जानवर या भेड़िया नहीं है, तो आखिर ये कौन सा जानवर है? ये वन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि कॉम्बिंग करे, लगातार जाल बिछाए और रात भर ग्रामीणों के साथ यहाँ पर रहे। अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह की व्यवस्था करके इन छोटे छोटे मासूमों के साथ यहाँ के रहने वाले ग्रामीणों को बचाने का क्या प्रयास करता है।